हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। नेक्स्ट देखिए भरतपुर का जाट राजवंश। तो भरतपुर का जो जाट राजवंश था, ये अपने कुल देवता भगवान राम जी को मानते थे। राजस्थान का यदि हम मैप देखें तो यहाँ पर भरतपुर और धौलपुर, यहाँ पर जाट निवास करते थे। ठीक है, भरतपुर और धौलपुर पर जाट वंश का शासन था। और ये जाट जो थी एक कृषक जाति थी, किसान थे ये। कौन? जाट। जब औरंगजेब का समय था तो औरंगजेब के द्वारा जो है वो कई अत्याचार इन पर किए गए। तो इन लोगों ने क्या किया कि सभी लोग जो है वो एकजुट होकर इस औरंगजेब का करेंगे विद्रोह। ठीक है, तो जन आंदोलन हुआ। और ये जन आंदोलन जो है ये हुआ दिल्ली, आगरा और मथुरा के जाटों के द्वारा। तो ये सभी किसान जो है संगठित होकर औरंगजेब के विरुद्ध जो है विद्रोह करने लगे। सबसे पहला जो विद्रोह है वह 1669 ईस्वी में होता है। मथुरा क्षेत्र के आसपास के जो जाट थे इनके द्वारा विद्रोह किया जाता है। ये अपना नेता जो है बनाते हैं गोकुल को, और गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि औरंगजेब के विरुद्ध जो है सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत 1669 ईस्वी में भरतपुर के जाट लोगों के द्वारा की जाती है। और किसके नेतृत्व में की जाती है? तो तिलपत का जो जाट था जमींदार गोकुल, इसके नेतृत्व में की जाती है। तो 1670 ईस्वी में एक साल बाद जो है इस गोकुल की कर दी जाती है हत्या। तो इसकी हो जाती है हत्या। और इसके बाद जो जमींदार होता है राजा राम जाट, राजा राम जाट। तो फिर उसके बाद इसके नेतृत्व में विद्रोह किया जाता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है वो विद्रोह बढ़ता जाता है। ठीक है, तो 1688 ईस्वी में गोकुल की मृत्यु हो जाने के बाद राजा राम जाट जो है इसके द्वारा संघर्ष को जारी रखा जाता है, और जिसमें राजा राम की भी मृत्यु हो जाती है। राजा राम की मृत्यु के बाद उसका जो भतीजा है चूड़ामण, इसने जाटों को नेतृत्व प्रदान किया। तो सबसे पहले शुरुआत होती है गोकुल के द्वारा, उसके बाद राजा राम इसकी कमान संभाल लेते हैं। ऐसे ही राजा राम की मृत्यु हो जाती है, इनका भतीजा चूड़ामन जो है जाट किसानों की जो कमान है वो संभाल लेते हैं। ठीक है, और स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। तो भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कहा जाता है चूड़ामन को। 1695 से 1721 इनका शासन का समय रहा था। थून नामक स्थान पर ये किला बनाकर अपना राज्य स्थापित करते हैं। चूड़ामन का दमन करने के लिए देखिए मुगल सम्राट के द्वारा कछवाहा विशन सिंह को भेजा जाता है, और चूड़ामन की जो है वो 1721 ईस्वी में हो जाती है मृत्यु। जैसे ही इनकी मृत्यु होती है तो 1722 ईस्वी में इनके दो बेटे होते हैं, एक का नाम है मोहकम सिंह और दूसरे बेटे का नाम था बदन सिंह। तो मोहकम सिंह तो बड़ा था और बदन सिंह छोटा था। तो इन दोनों में आपस में ही जो है वो लड़ाई होती है। बदन सिंह जो है सवाई जयसिंह से जाकर मिल जाता है, और सवाई जयसिंह की सहायता से ये जीत जाता है। ठीक है, मोहकम को जो है ये पराजित कर देता है। तो ये जो सवाई जयसिंह है ब्रजराज की उपाधि जो है बदन सिंह को प्रदान करते हैं, साथ में इनको जो है डींग की जागीर जो है वह भी प्रदान करते हैं। तो खुद को बदन सिंह जो है सवाई जयसिंह का एक सामंत मानता था। सवाई जयसिंह जो बोलते थे वही कार्य जो है ये करते थे। ठीक है, और एक जो मुगल बादशाह जो थे जिनका नाम था मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह के द्वारा बदन सिंह को जो है राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। याद रखना है, राजा की उपाधि मोहम्मद शाह ने प्रदान की थी बदन सिंह को, और वहीं पर जो है ब्रजराज की उपाधि प्रदान की थी सवाई जयसिंह के द्वारा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। बदन सिंह जो है इसको हम कहेंगे भरतपुर के जाट राज्य का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, आपको याद रखना है, वास्तविक संस्थापक तो यही है बदन सिंह। तो बदन सिंह के पिता का नाम क्या है? चूड़ामन है, और डीग को जो है ये अपना निवास स्थान बनाते हैं। मैंने आपको बताया कि डीग की जागीर जो है इनको सवाई जयसिंह ने प्रदान की थी, और यहाँ पर जो है एक सुदृढ़ गढ़ का निर्माण ये करवाते हैं
और जहाँ पर जल महल बनवाते हैं, ठीक है। और यही जो जल महल है, इसको आगे चल के इसको पूरा कौन करवाएगा, इनका बेटा सूरजमल। वृंदावन में मंदिर का निर्माण करवाया और सवाई जयसिंह ने ब्रजराज की उपाधि जो है किसको प्रदान की थी, बदन सिंह को प्रदान की थी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में आने वाली है और पूछी भी जाने वाली है, ठीक है। महाराजा सूरजमल बदन सिंह के बेटे हैं। इनका शासन का समय 1756 से 1763 रहा और भरतपुर को ये अपनी राजधानी बनाते हैं। कौन? सूरजमल। तो ये जो सूरजमल है इनको जाना जाता है जाटों का अफलातून। जाटों का अफलातून के नाम से किसे जाना जाता है? महाराजा सूरजमल को। इसके अलावा जाटों का जो प्लेटो है ये इस नाम से भी हम जानते हैं महाराजा सूरजमल को, ठीक है। तो ये जो है जल महल जो कि इनके पिता बदन सिंह के द्वारा बनवाया गया था, तो इसके निर्माण जो है वो पूरा करवाते हैं। साथ में सूरजमल जो है वो भरतपुर को अपनी राजधानी बनाते हैं। जयपुर उत्तराधिकार युद्ध के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। 1743 से 50 तक जो ये युद्ध चला था, तो इन्होंने जो है माधव सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच में जो था, ईश्वरी सिंह का साथ दिया था, ये जीता भी था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में जो युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ, तो मराठों के पक्ष में ये लड़ने गए थे। पानीपत के युद्ध में मराठों की जब हार हुई थी, तो इस हारी हुई सेना को शरण दी थी, इनकी सहायता की थी सूरजमल ने, ठीक है। 1763 ईस्वी में रुहेला के विरुद्ध युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए जो है इनको कहा जाता है जाटों का अफलातून, ठीक है। बहुत ही शक्तिशाली महान शासक रहे हैं सूरजमल जाट। सूरजमल ने 1761 में आगरा के किले पर भी अपना अधिकार किया था और सूरजमल जाट ने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। तो इस लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण ये 1633 ईस्वी से प्रारंभ कराते हैं और 1741 ईस्वी, ये समझिए इस बीच में ही जो है लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। सन तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, इतना पूछेगा कि भरतपुर का जो प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो भरतपुर के जो जाट शासक हैं कौन, सूरजमल जाट के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, सूरजमल जाट के बेटे हैं महाराजा जवाहर सिंह। पिता सूरजमल के द्वारा बनवाए गए लोहागढ़ किले के प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु से निर्मित दरवाजा जो है जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में दिल्ली से लेकर आए थे, ठीक है। याद रखिएगा कि लोहागढ़ जो किला है इसमें अष्ट धातु जो लगा हुआ है, अष्ट धातु का दरवाजा, इसको ये कहाँ से लेकर आए थे? दिल्ली से लेकर आए थे। कौन लेकर आया? जवाहर सिंह लेकर आए थे। आपको ध्यान में रखना है कि जब जवाहर सिंह का युद्ध जो है वो 1764 ईस्वी में होता है शाह आलम सेकेंड के साथ, ठीक है, तो दिल्ली पर जो है ये आक्रमण करते हैं और वहां से जो है वो अष्ट धातु दरवाजे लेके आते हैं और भरतपुर का जो दुर्ग है लोहागढ़ इसमें लगवाते हैं, ठीक है। और दिल्ली विजय की स्मृति में जो है जवाहर सिंह जो है इन्होंने भरतपुर दुर्ग में जो है जवाहर बुर्ज का भी निर्माण करवाया था। अब ये लाइन जो है इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि कई किताबों में आपको अलग मिलेगा कि जवाहर दुर्ग का निर्माण जो है सूरजमल जाट ने करवाया। आपको जो है ये चीज़ नहीं याद रखनी है, याद रखना है जवाहर सिंह के नाम पर ही आपको याद रखना है कि जवाहर सिंह ने ही भरतपुर के दुर्ग में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था जब उन्होंने दिल्ली विजय किया था, ठीक है, तो उसकी स्मृति में। और दूसरा, दिल्ली से ये अष्ट धातु का दरवाजा लेकर आए और भरतपुर के जो दुर्ग है लोहागढ़ इसमें इन्होंने लगवाया, ठीक है। यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। किले की जो बाहरी दीवार है लोहागढ़ की वो किससे बनी हुई है? मिट्टी से बनी हुई है। तो याद रखिएगा, जयपुर के सवाई माधव सिंह प्रथम ने जवाहर सिंह को पराजित करके कामा परगने पर अधिकार किया था। इन्हें मराठों, रोहेलों और राजपूतों से संघर्ष करना पड़ा था और इसके बाद जाट राज्य की शक्ति जो है कमजोर पड़ने लगी थी। तो देखिए, गोकुल से स्टार्ट होते हैं हम, गोकुल जो कि जाट राज्य के संस्थापक रहे हैं और सबसे पहले किसान आंदोलन जो होता है औरंगजेब के विरुद्ध, तो ये जो है कमान संभालते हैं। और गोकुल के बाद में राजा राम आते हैं, सीक्वेंस याद रखें, ठीक है। राजा राम के बाद जो है इनके भतीजे चूड़ामन आते हैं, ये सब भी बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए हैं, इनके बारे में डिटेल में याद रखें। उसके बाद चूड़ामन के बाद जो है इनका छोटा बेटा जो है वो बदन सिंह आता है,
ठीक है, बदन सिंह ब्रजराज की उपाधि सवाई जयसिंह के द्वारा इनको दी गई थी। ठीक है, रिंग में महल बनवाते हैं, ये जल महल बनवाते हैं। बदन सिंह के बाद हमने देखे सूरजमल जाट, तो सूरजमल जाट जो कि भरतपुर को अपनी राजधानी बनाते हैं, इसके साथ ही सूरजमल के द्वारा जो है लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, इनके बेटे और उसके बाद हमने पढ़े कौन, जवाहर सिंह। तो जवाहर सिंह के द्वारा दो स्पेशल काम हुए, कौन कौन से, एक तो दिल्ली जीत कर जो है क्या करवाते हैं, दिल्ली जीत कर जो है दिल्ली विजय की स्मृति में जो भरतपुर दुर्ग जो है उसमें जवाहर दुर्ग का निर्माण करवाते हैं, और दूसरा काम जो इनके द्वारा किया गया था अष्ट धातु दरवाजा लेकर जो है किले में लगवाया गया था। तो इनके बाद जो है जाट जो राज्य था इनकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। तो अब जो शासक हैं महाराजा केसरी सिंह, इनके बारे में कुछ भी खास बात याद नहीं करनी है, महाराजा रणजीत सिंह। तो देखिए महाराजा रणजीत सिंह जो हैं डींग तथा आगरा पर जो है मुगलों का अधिकार इनके समय हुआ। उसके बाद महाराजा रणधीर सिंह हैं, ये जो रणधीर सिंह हैं तो इन्होंने जो है अंग्रेजों से 1818 में संधि कर ली थी। एक लाइन इनके बारे में इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आप लिख लें, 1818 में अंग्रेजों के साथ जो है संधि की थी भरतपुर के जाट राज्य के जो राजा थे महाराजा रणधीर सिंह ने। फिर महाराजा बलवंत सिंह है, नेक्स्ट जसवंत सिंह है, फिर महाराजा किशन सिंह है, और अंतिम है ब्रजेंद्र सिंह। इनके समय 1938 में भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी और 18 मार्च 1948 को भरतपुर का मत्स्य संघ में विलय हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने भरतपुर के जाट राज्य को अच्छे से समझ लिया है। क्वेश्चन कैसे आएगा मैंने साथ साथ में आपको बता भी दिया है किस तरीके से पूछा जाएगा। पूछा जा सकता है जाटों का अफलातून किसको कहा जाता है, आप याद रखें सूरजमल जाट को कहा जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है जवाहर बुर्ज का निर्माण किसने करवाया, आप याद रखें जवाहर सिंह ने करवाया। अष्ट धातु कौन लेकर आया, अष्ट धातु का दरवाजा कौन लेकर आया लोहागढ़ में, जवाहर सिंह लेकर आए थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण जो है 1733 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। और जाट राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है किसको कहा जाता है, तब आप जो है नाम याद रखेंगे कि वास्तविक संस्थापक जो है कहा जाता है सूरजमल के जो पापा थे बदन सिंह, इनको कहा जाता है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपको बताई है, इन्हीं को बार बार रिवाइज करिएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।